नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सार्थक सिंह है, मैं शाहजहानपुर में रहता हूँ। कृषि जागरण में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कृषि के साथ बकरी पालन वो किस प्रकार से कर सकते हैं, और यहाँ के जो चाचा जी हैं ये बताएंगे इन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से बकरी पालन किया हुआ है और दूध का क्या प्रॉफिट है। धन्यवाद चाचा जी। नमस्कार, कहाँ रहते हो आप? अचारपुर भगौरा। क्या नाम है आपका? ब्रजपाल। अच्छा, तो आपने बकरी पालन किस प्रकार से किया हुआ है? आपने बकरी पालन इस प्रकार से किया है कि 5-7 बकरी लाए और फिर इन्हें चुंगा रहे खूब बढ़िया करके। हाँ। और शाम को जी भिगो के चने। हाँ। और गेहूं खिलाते 200 ग्राम। हाँ। और पत्ते खिलाते। किसके पत्ते खिलाते? आम के खिलाते, गुड़ खिलाते, पीपल जी, के जी, नीम के। नीम के भी? अच्छा। हाँ। तो कितने सालों से आप बकरी पालन कर रहे हैं? 1 साल हो गई। 1 साल। और इसमें जो बच्चे अच्छे जो देते हैं कौन से महीने में इनकी? ऐसा है कि बकरी जो है 6 महीने में बिया जाती। अच्छा। दो बच्चे से भी आती, एक से भी आती। हाँ। 1 साल में बकरी जो रोक लो जी तो कम से कम ना ही तो 3 गुने हो जाते। अच्छा। हाँ। तो आपको दूध की मात्रा कितनी इसमें मिल जाती, कितना प्रतिशत दूध निकल आता है? दूध 1 लीटर निकल आता, 1.5 लीटर जी। किसी बकरी जो हल्की होती 1 लीटर फिलहाल कम नहीं निकलता। अच्छा। और इनको अभी कितने टाइम तक, कितने घंटे इनको चुंगाते फिराते हो यहाँ पर खेतों में? 4 घंटे, 3 घंटे। हाँ। 3 घंटे लगभग सुबह और 3-3.5 घंटे शाम को चुंगाते। अच्छा। और सुबह कितने टाइम आप इनको खोल ले जाते हो? सुबह खोल ले जाते 8 बजे, 9 बजे। हाँ जी। और 11 बजे, 12 बजे ले आते, धूप हो जाती है। अच्छा। तो ये खेतों में क्या खाते हैं, कौन सी घास खाते हैं? खेत में भदा है, दूब है जी। और पत्ते अत्ते और हैं जी। यही घास खाते हैं। घास खेतों में बहुत तरीके की होती, जो अच्छी घास उन्हें लगती वही खाती। अच्छा जी। तो ये सब आपकी बकरी है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हमारी सब है। अच्छा। तो आपके पास कितनी बकरी होंगी? हमारे पास होंगी लगभग 20 बकरी। अच्छा। तो आपने पशु बकरी पालन कैसे क्या सीखा, कहाँ से सीखा आपको कि बकरी पालन करेंगे? बकरी जो है हम सीखा कहीं नहीं, हम ऐसे बाजार से ले आए, अपने चुंगाने लगे, सीखने कहीं नहीं गए। अच्छा। तो आपको कितना इसमें लाभ हो जाता है? इसमें लाभ हो जाता है 1 साल में 3 गुना लाभ हो जाता है। जैसे 50,000 गए तो 1 साल में जी बच्चे खत्म न हो जी तो 3 गुने हो जाते। अच्छा। तो बच्चे अभी ब्याने थोड़ी होंगे या अभी कितने? हाँ। दिन में इसका जो गर्भकाल होता है वो हो जाता? वो जो है जब बकरी ब्याह जाती तो 2 महीने में उसका गर्भ धारण हो जाता है। अच्छा। 6 महीने में बकरी ब्याह जाती। अच्छा। तो कोई दूध एक ही बराबर देती है, ज्यादा भी दे देती है कोई बकरी? एक बराबर थोड़ी, कोई ज्यादा भी देती कोई कम देती। अच्छा। एक बराबर थोड़ी देती। अच्छा। तो बरसीम इनको क्या, बरसीम भी खिलाते होगे? बरसीम का टाइम होता बरसीम खिलाते, करवी टाइम चरी होती तो चरी खिलाते जी, सरसों का टाइम हो तो सरसों के पत्ते खिलाते, हरियाई खिलाते जी। अच्छा। दूध भी बढ़िया, कितने में इनका दूध बिक जाता होगा, बेचते होगे आप नहीं बेचते हो? दूध इनका पहली बात तो बेचते नहीं। अच्छा। और बेचो तो दूध 35-40 रुपए लीटर इनका भी बिक जाता है। अच्छा। तो इनका दूध का उपयोग तो बहुत सी दवाइयों में भी होता है? हाँ, बहुत बढ़िया दूध होता है। बुखार में आता है, वैसे भी आता, बच्चे भी पीते छोटे। अच्छा। हाँ। बुखार में भी फायदा करता है? बुखार में भी फायदा करता बहुत। अच्छा। अब वैसे भी खाओ बकरी का दूध जो है बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा। सबसे ज्यादा बकरी का दूध फायदेमंद होता है। अच्छा। तो यहाँ पर किसान भाई जो चाचा जी हैं इन्होंने यहाँ पर बकरी पालन बहुत बढ़िया से किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो खेत में बकरी जो चुंग रही हैं वो इन्हीं की बकरी हैं, इन्होंने यहाँ पर बकरी पालन किया हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें बकरी पालन करना चाहिए, जो इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी हुई है। धन्यवाद।